हे स्टूडेंट्स, आज ना हम अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग की, जिसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से, डजेंट मैटर कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, सबके लिए पूरी तरह से रेलेवेंट होने वाली है। मैं सीए पीयूष गुप्ता, ठीक है। आज की क्लास में हम बिल्कुल जीरो से समझेंगे। अब मतलब कॉमर्स स्टूडेंट्स के क्यों रेलेवेंट है वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि नॉन कॉमर्स के लिए अगर आप साइंस आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो आपके लिए तो कम्प्लीटली रेलेवेंट है। आप इन सीरीज को देख के अकाउंट्स को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। बट अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से ऑलरेडी हैं, आपको लगता है कि 11th 12th में तो सब हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था, तो भी आप इसको देखिए, क्योंकि जब आप इन सीरीज को मतलब वीडियोस को पूरी सीरीज को देखेंगे ना, आपको रियलाइज होगा कि जो एक्चुअल में आप पढ़ रहे थे, जो 11th 12th में आपने पढ़ा था, मोस्ट प्रोबेबली आपने इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ उसको कवर नहीं किया था। So, बिल्कुल जीरो से देखना, मतलब ये मैं सोचना है कि ये तो आता है, क्योंकि इन बिटवीन बहुत सारे पॉइंट्स आपको उसमें सीखने को मिलेंगे। तो आज की जो फर्स्ट वीडियो होगी, इसमें हमें एक्चुअल में ये समझना होगा कि अकाउंटिंग है क्या, हम करते क्यों है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, हमारा अकाउंटिंग करने का रीजन क्या है, तब तक हम उसको समझ नहीं पाएंगे ना। मतलब अकाउंट बना लिए, ठीक है, हमने हिसाब कर लिया, बट कर क्यों रहे हैं। तो एक्चुअल में उन सारी चीजों को हम आज समझेंगे, देखेंगे पूरा किस तरह से चलता है। करेक्ट है। अब इसको पूरा एग्जांपल के साथ लेके समझते हैं। आपके जहां पे भी आपका घर है, आपके घर के पास में एक शॉप होगी, ठीक है ना, मतलब बहुत सारी शॉप्स होंगी, उनमें से शॉप में शॉपकीपर बैठते होंगे, जो सेलर होंगे, लाला जी एकदम, ठीक है। आपने कभी कभी देखा है उनको, वो ना एक कॉपी बनाते हैं, ठीक है, उस कॉपी में ना नोट करते रहते हैं। मतलब जब भी आप उनके पास जाते हो, सामान लेते खरीदते हो, तो वो हिसाब लिखते रहते हैं। बहुत सारे लोग जो छोटी दुकानें होती हैं वो तो हैंड टू हैंड लिखते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं मतलब पूरा दिन तो अपना सेल में लगते हैं, क्योंकि उतना लिखने के टाइम नहीं होता है, फिर जाके घर पे रात को ये सारा हिसाब लिखते हैं। अब इसमें ना वो पूरा लिखते हैं कि किस किस को क्या सामान हमने सेल किया, ठीक है, मतलब हमने किसको क्या सामान बेचा और कितना हमने कैश में बेचा, मतलब कितने का पैसा आ गया, कितना हमने क्रेडिट पे सेल किया। इन चीजों को, एक एक चीज को बहुत डिटेल में हम आगे कवर करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। करेक्ट। तो जो भी उसने बेचा, जो उसने परचेज किया था, वो सारा इसमें लिखते रहते हैं, जो सेल्स शॉपकीपर होते हैं वो सब अपने पास एक कॉपी बनाते हैं, रफ कॉपी सी बनाते हैं, उसमें अपने हिसाब से जैसा उनको सुटेबल लगता है वो लिखते रहते हैं। करेक्ट है। अब यहां पे ना प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो अपने अपने फॉर्मेट से लिख रहे हैं। फॉर्मल मतलब प्रॉपर तरीका जो होता है अकाउंटिंग का, या कोई एक हिसाब का स्टैंडर्ड तरीका जिससे उनको एग्जैक्ट सब कुछ पता चल जाए, वो चीज यहाँ पे नहीं मेंशन, मतलब उस तरीके से वो नहीं लिख रहे होते। चलो उसका भी सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले बात आती है, ये आखिर लिख क्यों रहे। अरे वही जो सामान खरीदा खरीद लिया, जो बेचा बेच दिया, उसको खरीदने बेचने को लिख के इतना हिसाब किताब रखने का क्या मतलब बनता है। देखो, एक तो ये पता करना कि प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, कंपनी को, मतलब जो सेलर है, जो शॉपकीपर है, उसको ये भी तो देखना होगा ना प्रॉफिट कितना है। वो तभी तो देख पाएगा जब उसके पास हिसाब किताब होगा। उसको ये भी देखना है कि जो मेरा क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब उधार, ठीक है, जो क्रेडिट पे सेल हुआ वो पैसा कितना तो लेना है और कितना पैसा किसी को देना है, ताकि ऐसा ना हो आज कोई सामान हमसे उधार पे ले गया और कल को पैसे ही नहीं दे रहा है। अब वो हमारे पास आए, भाई कितने पैसे देना, हम कह रहे हैं पता नहीं अभी तो आपको कितने देने हैं, वो कुछ भी बता रहे हैं, हमें गड़बड़ हो जाएगी ना। तो हमें क्या करना होगा, इसके एक रीजन जो बहुत बड़ा रीजन है ये है, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। थर्ड रीजन, एक और रीजन क्या है, उनको ना सारा चीजें रखनी है, स्टॉक का मैनेज करके रखना है। ऐसा ना हो पता चला उन्होंने हिसाब ही नहीं रखा था, उनके पास सामान कम हो गया, वो तो सोचे कि उनके गोदाम में, जो गोडाउन है, जो उनका वेयर हाउस है, वहां पे सामान रखा है। अब वो तो आराम से बेफिक्र होके बैठे, अरे ठीक है मेरे पास तो बहुत सारा सामान रखा है, अभी जब कोई कस्टमर आ भी गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल उनके पास ना बॉर्नविटा सेल करते हैं, उनके बॉर्नविटा के उनको था 100 बॉक्सेस रखे हैं, मतलब जो 100 बॉर्नविटा के डब्बे रखे हैं, उनको तो अंदाजे से ही था, उन्होंने चेक नहीं किया। अब इतना बड़ा गोडाउन है, कहाँ डेली हर टाइम चेक करेंगे, उनको ये चीज थी। अब जब कस्टमर आया, कस्टमर ने कहा कि मुझे ना 100 वो चाहिए बॉर्नविटा, उन्होंने कहा ठीक है, बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया, एकदम खुश हो गया कि अरे भाई मजा आ गया, आज तो सेल एकदम पार्टी वाली। तो जब अपने आदमी को भेजा गोडाउन में, वहां पे देखने लगे, वहां पे पता चला वहां तो सिर्फ 10 ही पीस बचे थे, बाकी तो सेल हो गए थे। अब ये सिचुएशन ना करेक्ट हो, इसके लिए वो क्या करते हैं, वो स्टॉक को मैनेज करने के लिए भी रखते हैं पूरा, प्लस ऐसा ना हो ना चोरी हो जाए,
अब इतने लेबर होती है, इतने लोग काम कर रहे होते हैं, कोई चुरा के ले गया, कोई सामान गायब कर देगा अगर हिसाब नहीं रखेंगे तो यहाँ पे मतलब जो थेफ्ट होता है ना, चोरी या मतलब उसमें पूरा हिसाब किताब में गड़बड़ कर देना, वो सिनेरियो ना आ जाए, उस चीज से बचने के लिए भी ये काम किया जाता है। तो इसके बहुत सारे रीजंस है, ये तो मैंने मेजर आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मेजर 4 रीजन है वो दिए, बाकी तो जैसे हम आगे करते जाएंगे, पूरा सीखते जाएंगे, वहां पे वो सारी चीजें भी हमें बहुत अच्छे से क्लियर होती जाए। क्लियर हुआ? तो मतलब अब हमें इतना समझ में आया कि ओके, एक शॉपकीपर जो छोटा से छोटा शॉपकीपर भी है, हिसाब किताब तो वो भी रख रहा है। अब वो किस हिसाब से रख रहा है वो उसकी मर्जी है, कोई किसी तरह से हिसाब लिख रहा होता है, कोई किसी हिसाब से, जैसे मुझे सही लग रहा है मैं अपनी कॉपी में उसको नोट डाउन कर, बट लिख के पूरा रख रहा हूँ। अब उसके पीछे लिखने के पीछे रीजन बहुत सारे होते हैं। एक तो ये कि मुझे ये देखना है कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस तो नहीं हुआ पूरे साल में, महीने में, हफ्ते में, जैसे मैं देखना चाहूँ। दूसरी चीज ये कि कितने लोगों को पैसा देना है, मतलब हमने उधार में खरीदा था तो उनको पेमेंट देनी है, कल को ऐसा ना हो लिया तो 100 रुपए का उधार था, वो हमसे 150 रुपए मांग रहे और हम कह रहे हैं अच्छा भाई 150 होंगे, या हमें पैसे लेने थे हम भूलना चाहे, उस चीज का हिसाब किताब रखने के लिए। फिर इसके अलावा क्या, इसके अलावा स्टॉक, स्टॉक को मैनेज करने के लिए, ठीक है ना, ताकि हमारे पास क्या पूरा स्टॉक मैनेज रहे कि उसमें कोई सामान कभी हमें शॉर्ट ना पड़ जाए। और एक और चीज क्या, चोरी के लिए, कि चोरी ना हो जाए, करेक्ट है? तो ये सारी चीज समझ में आई। तो ये वीडियो पॉज करो, देखो जो भी कर रहे हो ना, ये कोई एंटरटेनिंग वीडियो नहीं है, करेक्ट है? तो ये जो सीरीज है बहुत ज्यादा आपको मतलब एकदम कंसेप्चुअल स्ट्रांग कर देगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ला देगी आपके माइंड में। इन सारी चीजों को नोट डाउन करते चलो, ठीक है? अपने पास नोट डाउन कर दो, वीडियो पॉज करो, अभी करो, नोटबुक लेके आओ, अगर नहीं लेके आओ एक अच्छी सी कॉपी बना लेना, क्योंकि जब पूरी सीरीज देखोगे तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो नोट डाउन करो, ठीक है? मैं मानता हूँ ईमानदारी से अच्छे बच्चों की तरह सिर्फ वीडियो को ऐसे ही टाइम पास नहीं कर रहे होंगे, पूरा नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि ये शॉपकीपर कुछ हिसाब रख लेता है, ठीक है, उसके रीजन भी हमने देख लेते हैं क्यों ऐसा करता है, बट यहाँ पे हिसाब रख लेता है। प्रॉब्लम क्या है, ये जो हिसाब है ना, ये छोटे लेवल पे तो चलता है, स्मॉल लेवल पे तो ठीक है, स्मॉल लेवल पे ठीक है, अगर मैं एक अपनी छोटी दुकान है, मुझे हिसाब रखना है, मैं रख लूंगा, बात ओके है। बट वहां पे जब जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पे प्रॉब्लम आती जाएंगी, उसको हिसाब को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक एग्जाम्पल समझते हैं इस चीज को, एग्जाम्पल को मैं बाद में दोबारा से कवर करूंगा। आप ये मान के चलिए एक बैंक है, ठीक है, एक बैंक की एक ब्रांच पे दिन भर में कितनी ट्रांजेक्शन होती होंगी, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन होती है ना। एक फॉर एग्जाम्पल पीएनबी का बैंक ले लेते हैं, पीएनबी का बैंक एक ब्रांच पे कितनी ट्रांजेक्शन होती है, और ऑल ओवर इंडिया, सोचो ऑल ओवर इंडिया, वहां पे कितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन होती होंगी। अब ये क्या हिसाब ऐसे कॉपी में लिख के बना सकते हैं क्या, गड़बड़ हो जाएगा अगर ऐसे लिखेंगे तो, क्या होगा, मिस्टेक हो जाएगी, प्रॉब्लम आएगी। चलो ये सब भी हो गया, अब हम बात करते हैं एयरटेल की, किसकी, एयरटेल की बात करते हैं। एयरटेल की एक दिन में कितनी ट्रांजेक्शन होती होंगी, आपने एक कॉल करी उनके लिए एक ट्रांजेक्शन होगी, आपने एक एसएमएस भेजा उनके लिए एक ट्रांजेक्शन होगी, आपने एक पेज लोड किया नेट पे, आप ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो में आपका डेटा कंज्यूम हो रहा है, डेटा कंज्यूम होने के लिए उनके लिए ट्रांजेक्शन होगी। अब करोड्स ऑफ लोग हैं, मतलब जो उनकी कस्टमर है, करोड्स ऑफ कस्टमर्स है, जो दिन भर में ना जाने कितना डेटा कंज्यूम करते होंगे, कितना ट्रांजेक्शंस करते होंगे, क्या वो एक ऐसे सीधे तरीके से बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकता है। इसके अलावा रिलायंस के बारे में सोचो, जिसकी कितनी बड़ी कंपनी है, या फिर कोई भी कंपनी आप सोचो कितना बड़ा उनका काम होता है, कैसे कर सकते हैं, बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। और ये तो इतने बड़े लेवल पे, एक्चुअल में तो क्या है कि अगर एक नॉर्मल भी बिजनेस है ना, नॉर्मल, तो उसको भी दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सब चीजों को एक फॉर्मेट में समझ के करना, ठीक है? तो आई थिंक आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छे से सब चीज क्लियर हुई होंगी, ठीक है? एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो फास्ट ट्रैक कह सकते हो आप, ठीक है? ये क्या है, फास्ट ट्रैक है, फास्ट ट्रैक इन द सेंस कि अभी अगर मैं कंटेंट इसमें करा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कंसाइस उसको रख रहा हूँ, ठीक है? अगर
ये आपके लिए मतलब सफिशियंट है, मतलब पूरा कंटेंट आपके पास आएगा तो डेफिनेटली अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको सीखने का है कि हाँ मैं अकाउंटिंग सीखूं, क्योंकि चाहे आप किसी भी फील्ड में अकाउंट्स तो चाहिए चाहिए। जैसे हमें, अगर मैं सीए हूँ ठीक है, अभी मुझे मेडिकल उसका कुछ नहीं करना, बट बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ना मेडिकल्स की, मेडिकल फील्ड की, मतलब मेडिसिन वगैरह की, डॉक्टर में क्या चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। तो ये तो है ही है, प्लस इसके अंदर करियर में तो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज इतनी हैं, वो सब बाकी वीडियोज आपने देखी होंगी। ये फास्ट ट्रैक है, अगर मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सब कुछ ही सीखना है, मतलब पूरा इन डेप्थ एक एक बहुत सारे क्वेश्चंस, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए, एक एक टॉपिक पे इन डेप्थ और बहुत अच्छे से डिस्कशन हो, बहुत सारे और ज़्यादा एग्जांपल्स कवर हो, तो फिर आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, स्मार्शियस के नाम से एक ऐप है प्ले स्टोर पर, या सीए पीयूष गुप्ता सर्च कर लेना ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी ऐप, उसको डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा और इसका कोर्स का डायरेक्ट लिंक भी आपको शेयर कर देंगे। वहाँ पे एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट का कोर्स है, फाइनेंशियल अकाउंटेंट, वो कोर्स आप देख लेना, उसमें ना मतलब बहुत ज़्यादा इन डेप्थ ये सारी चीज़ें कवर करी गई हैं बहुत अच्छे से, तो मतलब वहाँ तो फुल फ्लेज आपको पूरी एकदम बढ़िया वाली नॉलेज हो जाएगी ठीक है। बाकी अदरवाइज वहाँ वो नहीं लेना चाह रहे हैं तो अभी आप ये सीरीज भी देख सकते हो, इसमें भी आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी। बट डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे 5 आवर का कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मे बी वो 30 या 40 आवर्स का कंटेंट हो, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है ठीक है। चलिए, बाय बाय।